ये किस हमले के बारे में बात हो रही है? जब हमने एक बार तय किया था कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे, उनको बंदी बना के हम सिफागढ़ लेके जाएंगे, तो कौन सा हमला आ गया ये? वो इसलिए था ताकि हम शहजादे सलीम को रोक सके, और वो हम अब भी रोकेंगे। लेकिन शहंशाह और मलिकाए हिंदुस्तान की कत्ल की बात हम सलीम तक पहुंचने नहीं देंगे। देखिए शहजादे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे आपने सोचा है। हम शहजादे सलीम से अपने माँ बाप की जिंदगी की एवज में उसे अपने आप को हमारे सुपुर्द करने को कहेंगे, और एक बार उसने ऐसा कर दिया तो हम उसका भी कत्ल कर देंगे। लेकिन हम मलिकाए हिंद और शहंशाह को आगरा ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते हुजूर। वहां पे उनके बहुत सारे वफादार हैं। ये भी बहुत खूब कहा आपने, ये तरकीब भी अच्छी है। ठीक है, हमें मंजूर है। हुजूर एक खबर है। कहो। टट्टा के पास कुछ ऐसे फौज के निशान मिले हैं जैसे वो डेरा डालकर बैठे हैं। या खुदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जलाल को ढूंढते ढूंढते उनकी फौज यहां तक पहुंच गई है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा हो या ना हो, लेकिन अब हम कोई खतरा नहीं उठा सकते। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हम सब खुशकिस्मत हैं कि आज मलिकाए हिंद और जिल्ले इलाही हुजूर शहंशाह हमारे बीच में है। अपनी बीमारी पर फतह पाकर आज वो फिर से दुरुस्त हुए हैं, इसलिए उनकी शान में हमारे अंग्रेज दोस्तों ने एक छोटा सा जश्न उनके लिए रखा है। गुलाम उनकी ओर से शहंशाह का इस्तकबाल करता है। शहंशाह जाम नोश फरमाइए। शहंशाह से जश्न शुरू करने की इजाजत चाहता है। आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश है। बेशक इजाजत है। सिपाही थक चुके हैं, अगर अभी इन्हें आराम नहीं दिया तो लड़ाई के वक्त अपनी ताकत खो बैठेंगे। ठीक है, आज रात हम यही आराम करेंगे और कल सुबह कूच करेंगे ताकि सूरज निकलने के साथ साथ हम शहंशाह तक पहुंच जाएं। आज की रात और निकल जाए, फिर इनसे प्रतिशोध लेना है। हुजूर, एक जाम और। हुजूर को जश्न के इंतजामात पसंद आए? बेशक। शहंशाह, हमें लगता है कि अब बहुत समय हो गया है, आपको विश्राम करने चलना चाहिए।
ऐसी भी क्या जल्दी है मलिकाए हिंद। कुछ देर और रुक जाते हैं। जानिसार साहब, शहंशाह का स्वास्थ्य अभी अभी ठीक हुआ है, इतनी रात तक जागेंगे तो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। शहंशाह बस में कीजिए, कितने जाम लेंगे आप? चलिए, जैसी हुजूर की मर्जी। हम एक सिपाही हैं जोधा बेग, और इस वक्त हमारे सर पर एक जंग सवार है। हम नहीं जानते कि हम कल का दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम आज रात खोना नहीं चाहते। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, बता देना चाहते हैं कि हम दिलो जान से चाहते हैं आपको, और मरते दम तक आपको चाहते रहेंगे। शहंशाह, आपको हमारे सामने ऐसी बातें करने की अनुमति नहीं है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। दिन आए ना आए, लेकिन हम आज की रात यादगार बना देना चाहते हैं। गलत जगह हमला कर रहे हो दोस्तों। जाने ना पाए, बच कर तो तुम भी नहीं जा सकोगे जानी सर। मान सिंह भाई साहब, समझ के मानसिंह भाई साहब, धोखा दिया है तूने मुझे। गद्दारी वो थी जो तुमने हमारे साथ की थी, मुगल सल्तनत के साथ की थी। इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा मुराद। अब ठीक तो है ना?
जलाल, हमारी बच्ची। अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। सिर्फ जोधा बेगम की वजह से हम नहीं जा रहे। हम जानते हैं, एक बार फिर हमारी बहू आपको सही सलामत महफूज लौटा कर लाई है। बेशक, ना जाने क्या जादू करती है अपने दुश्मनों पर, हर बार उनकी शिकस्त ही होती है। और हमें तो लगता है मीजान कि अगली बार हम अगर किसी जंग पर जाएंगे तो जोधा बेगम को दुश्मनों के सामने खड़ा कर देंगे। देखा ना मीजान, शहंशाह को तो बस हर समय बहाना चाहिए हमारा मजाक उड़ाने का। बस बस, अब हमारी बहू को ज्यादा परेशान ना करें, वरना सबके सामने कान खींच लेंगे शहंशाह के। इस मामले में हम भी आपके साथ हैं अम्मीजान। अब भी सलीमा बेगम, जानते हैं आप जोधा बेगम अब सही मायनों में एक मुकम्मल औरत है। अच्छा, और ये निर्णय आपने किस आधार पर लिया है? चार बातों के बिना पर हम इस फैसले तक पहुंचे हैं। अच्छा, कौन सी चार बातें? इससे ये भी साबित होता है कि आप औरतों को अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद है। देखिए किस तरह उठकर बैठ गए हैं आप। रहने दीजिए, बात नहीं बतानी है तो मत बताइए, ताना मारने की आवश्यकता नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे जाती कहाँ है, अपनी तारीफ तो सुनकर जाइए। आप ये देखिए इसी मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। तो वो चार बातें ये हैं जोधा बेगम के। पहली, आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। कोई आपका कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, उसके बावजूद आप अपने दुश्मन तक का भी भला चाहती हैं। दूसरी ये कि चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन आप खुद की हिफाजत करना जानती हैं। चाहे कितना ही बुरा दौर क्यों ना आए, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। एक माँ, एक बीवी, एक बहू होने के साथ साथ आप एक अच्छी सिपाही भी हैं। और कोई कह नहीं सकता है कि ये नौसुख से दिखने वाली जोधा बेगम इतनी बड़ी जंग पर फतह भी हासिल कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि बहादुर होने के साथ साथ आप बहुत समझदार भी हैं। देखिए, अपनी अकलमंदी की वजह से अपने तजारत के मामला कितनी बखूबी तौर पर संभाला है, और इसी वजह से हम दीवाने खास में कल एक खास ऐलान करना चाहते हैं आपके बारे में। कैसा ऐलान? अगर अभी आपको बता दिया तो कल ऐलान करने के बाद जो खुशी आपके चेहरे पर होगी उसे देखने का मजा हम खो देंगे। और रही बात अकलमंदी की, तो हम अच्छी तरह से जानते थे कि जो पहले हमने खत में लिखकर आपके पास भिजवाई है, आप उसे समझ जाएंगे और हमारी मदद के लिए हमारे पास पहुंच जाएंगे। कौन सा पत्र? हमें तो कोई पत्र नहीं मिला आपका। लेकिन हमने खुद आपके पास एक खत भिजवाया था, कहां जा सकता है फिर? छोड़िए ना शहंशाह, बड़ी बात यह है कि आप सकुशल लौट आए। और अपनी बात तो पूरी कीजिए। कौन सी? अभी तो आपने कहा कि आप हमें चार बातें बताने वाले हैं, आपने तीन ही बातें बताई, चौथी कौन सी है? हाँ, चौथी बात यह है जोधा बेगम कि आप अपने शौहर को अच्छी तरह से खुश रखना जानती हैं। आप भी ना शहंशाह। अब शर्मा क्यों रही, आप ही ने हमें कहा था कि हम आपको बताएं, तो हमने आपको बता दिया। कहा था ना हमने कि जलाल के आते ही हम आजाद हो जाएंगे। देखा, जलाल ने हमें सीधे नजर कैद से यहाँ दीवाने खास में बुला लिया। अब हम तुम्हें सजा जरूर दिलवा कर रहेंगे। तो जानते ही हैं कि हम किस मुसीबत में थे। एक बगावत और हमारे कत्ल की साजिश को नाकाम कर दिया गया, और ये मुमकिन हो पाया अल्लाह ताला के करम, आप सबकी दुआओं की वजह से, और ये मुमकिन हो पाया जोधा बेगम की समझदारी और उनकी बहादुरी की वजह से। इसलिए हम जोधा बेगम की शान में आगरा में एक बहुत बड़ा जश्न रखेंगे, जिस जश्न में हम जोधा बेगम के नाम के सिक्के और मोहर जारी करेंगे। मरहबा मरहबा,
शहंशाह जलाल जिंदाबाद, मलिकाए हिंद जिंदाबाद, शहंशाह जलाल जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे कि शहजादे मुराद हमारे सामने हाजिर हों। हालांकि शहजादे मुराद ने हमारे गद्दारों की मदद की, लेकिन ऐन वक्त पर वो सही राह पर वापस लौटे और उन्हें सजा देने में इन्होंने हमारी मदद की, इसलिए हम इनकी सजा में नरमी बरतेंगे। हम इन्हें सजा तो नहीं देंगे, लेकिन इन्हें आगरा में रहने का हक नहीं देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि शहजादे मुराद फौरन पाटन के लिए कूच करें, क्योंकि हम इन्हें पाटन सूबे की जिम्मेदारी सौंपते हैं। मुराद, और अब हम चाहते हैं कि रुकैया बेगम हमारे सामने हाजिर हो। तस्लीम शहंशाह। हमें मालूम हुआ कि रुकैया बेगम ने मसालों के गोदाम को एक बार नहीं बल्कि दो बार नुकसान पहुंचाई। पहली बार उन्हें गीला कर, दूसरी बार उनमें आग लगा, जिससे मुगल सल्तनत को भारी नुकसान हुआ। इन्होंने उस खत को भी जला दिया जो हमने जोधा बेगम के पास भेजा था। लेकिन शहंशाह। रुकैया, यह आपका हरम नहीं है, ये मुगल शहंशाह का दरबार है। यह हमारी इजाजत के बगैर किसी को बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन हमारी बात तो। बस रुकैया, कोई सफाई नहीं। आदाब हुजूर। कहो होशियार। जान की अमान चाहते हैं हुजूर। ये गुस्ताख अपनी हैसियत जानता है, मगर फिर भी मलकाए हिंद से एक गुजारिश करने की हिमाकत करता। हमें आज भी अच्छे से याद है वो दिन हुजूर, जब इस हरम में एक ख्वाजा सरा का जन्मदिन मनाया गया था, गुलामों को आजाद कराया गया था। आपका दिल बहुत बड़ा है हुजूर, और आपकी सोच उससे भी बड़ी है। होशियार, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हुजूर, हम जानते हैं पाशाही बेगम ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, मगर उनकी हालत बहुत खराब है हुजूर। उनके दिमाग पर एक गहरा सदमा बैठा है हुजूर। समझ सकते हैं हम, परंतु अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं हुजूर कि उन्होंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, और हम ये चाहते भी नहीं कि उन्हें माफ किया जाए, मगर एक बार हुजूर वो शहंशाह से मिलना चाहती है। ये बस सिर्फ आप ही करवा सकती है हुजूर, बाकी आपकी मर्जी हुजूर। खुदा हाफिज। अरे वाह जोधा बेगम, आज तो आपने सारा हमारी पसंद का खाना बनाया, एकदम लजीज लग रहा है। तो शहंशाह, हम आपको आपकी मनपसंद खीर पेश करके चौंका देना चाहते थे, आपने तो हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब गलती आपकी है, आपको इसे अच्छे से छुपाना चाहिए था। आइए खाना खाते हैं। अरे आराम से शहंशाह, धीरे पानी पीजिए। आप जानते हैं आपको खांसी क्यों आई? क्योंकि आप सारी खीर अकेले खा जाना चाहते हैं। आपने हमसे तो एक भी बार नहीं पूछा। अब आप बुरा मानती हैं तो बुरा मान जाए, लेकिन ये सब हम अकेले खाएंगे, और अगर आपको खाना था तो अपने लिए थोड़ा और ज्यादा बना लेती हैं। आप भी ना शहंशाह, कई बार बच्चों की भांति व्यवहार करते। मिलना चाहती थी आप हमसे।
दायरा बरकरार रखिए। ये ना भूलिए आप कि आप एक गुनहगार हैं और हम अब भी मुगल सल्तनत के बादशाह हैं। दायरा, जो कहना है दूर से कहिए। हम समझ सकते हैं जलाल कि हमारा गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन अब क्या करते, हमसे जलन में गलती हो गई, क्योंकि हमें लगता रहा कि धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से जोधा बेगम के होते जा रहे हैं और हमसे दूर होते जा रहे हैं। आप ही बताइए, हम करते भी तो क्या। आपने तिजारत की जिम्मेदारी जोधा बेगम को सौंप दी और फिर उन्हें खास बेगम बनाया और मलिका हिंद का ओहदा भी दिया। शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह आ रहे हैं, जल्दी से हमारे वस्त्र लेकर आओ। रख लिया। अब जानते हैं ना शहंशाह, हम स्नान कर रहे हैं। जानते हैं। कितने निर्लज्ज हैं आप, तो भी यहाँ पर आ गए। हमने सोचा आपका खास दिन है, आपके नाम पर खास जश्न रखा गया है, तो क्यों ना आज आपके गुसल को भी खास बना दिया जाए। रहने दीजिए, हम सब जानते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वैसे हमारा स्नान हो चुका है। अब इतना भी मत इतराइए दुधोरे, हर किसी को शहंशाह के हाथों से गुसल करने का सुनहरा मौका नहीं मिलता है। अच्छा, बेशक ये हक मलिका हिंद को भी नहीं मिलता। ये हक सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीक हयात को मिलता है, जिसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जो हमारे जान है, जो हमारी दिल है, जो हमारी जोधा बेगम है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हम गुसल देना भी अच्छी तरह से जानते हैं जोधा बेगम। देखिएगा जोधा बेगम, हम आपको इतने अच्छे से गुसल देंगे और उसके बाद खुद अपने हाथों से तैयार करेंगे कि आज आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि आप हमारे दिल में क्या जगह रखती हैं। शहंशाह, रुकैया बेगम भी तो आपके दिल में बहुत जगह रखती है। यदि हम आपके जीवन में नहीं होते तो आज ये स्थान रुकैया बेगम का होता। क्या हुआ शहंशाह, आप चुप क्यों हैं? आपकी बात हुई क्या रुकैया बेगम से? हम बस आपको इतना बताना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमारा जो फैसला है हम उसे नहीं बदलेंगे। वो सजा के हकदार हैं और उन्हें सजा मिलेगी। परंतु शहंशाह, हमारा मानना है कि जोधा बेगम, आज हमारा खास दिन है, किसी और के बारे में बात कर हम उसे खराब नहीं करना चाहेंगे। मलिका हिंद आदाब। तक लिया। तस्लीम जोधा बेगम। प्रणाम रुकैया बेगम, हम आपके लिए लिबास लेकर आए हैं, खास तौर पर आपके लिए बनवाए हैं। जश्न में आप इसे ही पहनिएगा, आप पर ये रंग बहुत खिलता है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है जोधा बेगम, आप इसे किसी और बेगम को दे दीजिए, और वैसे भी हम जश्न तक नहीं रुक पाएंगे। प्रणाम सलीमा बेगम। आप क्यों नहीं आएंगे स्टेशन में रुकैया बेगम, आपको तो स्टेशन में आना ही होगा। नहीं सलीमा बेगम, जिससे हमारी जिंदगी जश्न थी, जब उस जलाल ने ही हमसे मुंह फेर लिया है, तो हम जश्न में आकर क्या करेंगे। आप बताइए जोधा बेगम, किसके लिए आए हम इस जश्न में। नहीं, हमें माफ कर दीजिए,
अगर हम इस जश्न में नहीं आ सकते। तो आपको लगता है कि जो गुनाह रुकैया बेगम ने किया है उससे ज्यादा सजा दी हमने उन्हें? क्यों आपको हमारे फैसले पर यकीन नहीं है जोधा बेगम? क्यों लगता है आपको कि वो बेगुनाह है? ऐसी बात नहीं है शहंशाह, हम मानते हैं कि रुकैया बेगम ने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम स्वयं उनसे बहुत रुष्ट थे, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि उन्हें एक मौका और दीजिए। उन्हें हर किसी से मौका नहीं देंगे जोधा बेगम, क्योंकि आज तक हम वही करते आए। हम उन्हें एक के बाद एक मौका देते आए और वो एक के बाद एक कारनामे करती आई है। हर बार माफ किया हमने, कभी आपकी वजह से, कभी अम्मी जान की वजह से, कभी इस वजह से कि वो हमारे बचपन की दोस्त, लेकिन इस बात उन्होंने हद ही पार कर दिया है जोधा बेगम। शहंशाह, आपके वापस आने का जश्न मनाया जा रहा है और वो उससे पहले आगरा छोड़कर जाना चाहती हैं। आखिर ऐसे क्यों हैं आप? किस मिट्टी की बनी हैं आप? हर बार रुकैया बेगम ने आपको बेइज्जत करना चाहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए चाल पर चाल चली उन्होंने, उसके बावजूद आप उन्हें माफ करना चाहती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी नफरत वो हमसे करती है उससे कई गुना अधिक वो आपसे प्रेम करती है शहंशाह, और हम इस बात को भी जानते हैं कि आपको उनकी बहुत परवाह है, इसलिए एक बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरगिज नहीं, चाहे कुछ हो जाए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे जोधा बेगम। शहंशाह, उन्हें दंड देने का अधिकार आपके पास नहीं है। हमें हक नहीं है जोधा बेगम। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपराधी है और यदि उन्हें कोई दंड दे सकता है तो केवल हम। ये आप ही का बनाया हुआ नियम है शहंशाह। ठीक है, अगर आप उन्हें सजा देना चाहती हैं तो तय कीजिए उनकी सजा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे जोधा बेगम, कि हम आपको उन्हें माफ करने का हक नहीं देते हैं और ना ही आप अपने हक का बेजा फायदा उठाएंगे। जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए वही मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, उनके अपराध का उपयुक्त दंड हम उन्हें देंगे और आपको भी अनुभव होगा कि हमने न्याय किया है। आज हम सब जोधा बेगम की शान में जो जश्न रखा गया है उसके लिए हम मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले रुकैया बेगम के मामले का फैसला हो। चूंकि रुकैया बेगम जोधा बेगम के गुनहगार हैं, इसलिए जोधा बेगम चाहती हैं कि वो खुद उन्हें सजा दें, इसलिए उन्हें ये हक देते हुए हम जोधा बेगम से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो यहाँ सबके सामने आए और अपना फैसला सुनाएं। मलिका हिंद, रुकैया बेगम आपके गुनहगार हैं और आप उन्हें सजा देना चाहती हैं, इसलिए हम आपको वो हक देते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि कानून अंधा होता है। अगर हमने आपकी सजा में जरा सी भी रहम दी, जरा सी भी तरफदारी दिखाई दी, तो हम वो हक आपसे वापस ले लेंगे और आपकी सजा को नजरअंदाज करते हुए हम हमारी सजा को बरकरार रखेंगे। रुकैया बेगम का अपराध बहुत गंभीर है, इसलिए शहंशाह ने जो दंड इन्हें दिया है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। और शहंशाह के आदेश को हम जस से तस नहीं करेंगे। हमारा भी यही आदेश है कि रुकैया बेगम को आगरा छोड़कर काबुल जाना होगा। आज हम बहुत खुश हैं कि आप सब यहां मौजूद हैं। जिस हक और जिस वादे की जोधा बेगम हकदार हैं, आज वो उन्हें अता किया जाए। जोधा बेगम के नाम के नए सिक्के और मोहर यहां पेश की जाए। मलिका
पूछा। शहंशाह, शायद इस सल्तनत में इकलौते हम थे जो जोधा बेगम को ये इज्जत देने के हक में नहीं थे, लेकिन आज हम ये जान चुके हैं कि अगर इस इज्जत के कोई लायक है तो वो सिर्फ जोधा बेगम है। जोधा बेगम, इस इज्जत की असली हकदार आप ही हैं। आज हम जोधा बेगम के नाम के सिक्के पूरी आवाम में तकसीम करने का हुक्म देते हैं। जोधा बेगम, मलिका हिंद, मरियम उज़्ज़मानी जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद। क्या हम अंदर आ सकते हैं जोधा बेगम? आइए रुकिया बेगम। हमें खेद है रुकिया बेगम, हम आपकी सजा माफ नहीं करवा पाए। जोधा बेगम, कई बार एक इंसान के साथ उम्र बिताने के बाद भी हम उसे नहीं जान पाते, और कई बार कुछ पल में ही हम उसे पूरी तरह जान जाते हैं। आप जानती हैं, जब आपने इस महल में पहली बार कदम रखा था, हम तभी समझ गए थे कि आप एक बेहद ही नेक दिल औरत हैं, और शायद आप ही की अच्छाई हमारी नफरत बन गई थी। शायद हम जान चुके थे कि उम्र भर कोशिश करने के बाद भी कि हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हर कदम पर हमने आपकी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हमने। आज अपने सारे गुनाहों के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम। रुकिए बेगम, ये क्या करिए, उठिए। नहीं जोधा बेगम, आज आपने सबके सामने हमारी सजा को एक चुनौती बनाकर उसे शर्मनाक होने से बचा लिया, और साथ ही साथ हमारे आगरा वापस आने के लिए दरवाजे भी खोल दिया आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोधा बेगम। आज हमें पता चला कि जलाल आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। आपने जलाल को वो दिया है जो आज तक हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं दे पाए। आपने उन्हें जलाल से अकबर बनाया, उन्हें एहसास दिलाया कि उनके सीने में भी दिल है जो धड़कता है। आज आपने साबित कर दिया कि आपकी मोहब्बत रुकैया की नफरत और साजिश से जीत गई, और रुकैया आपकी इस पते को सलाम करती है। छोटा मुंह बड़ी बात शहंशाह,
गुस्ताखे माफ हो, इस बांदी ने अपनी तमाम उम्र रुकैया बेगम की खिदमत में बिताई है, हमें भी इनके साथ जाने की इजाजत दीजिए हुजूर। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, यहीं रुको और जोधा बेगम का ख्याल रखो। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिल रहा है होशियार, और ये हमारा आखिरी हुक्म है। इजाजत दीजिए शहंशाह, चलते हैं। ठहरी रुकैया, कोई भी सजा इंसान को तकलीफ देने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए दी जाती है। रुकैया, आप हमारी बचपन की दोस्त हैं और हम कभी भी आपको शिकस्त नहीं खाते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए जिस चुनौती के लिए आपको जोधा बेगम ने ललकारा है, उम्मीद करेंगे इसमें आप फतेह हासिल करें। आपको क्या लगता है शहंशाह, आपकी रुकैया इतना भी नहीं कर सकती? और हमारी जिस रुकैया को हम बचपन से जानते हैं, तो हम जानते हैं कि एक बार अगर आप कोई इज्जत ठान लें तो चाहे कुछ हो जाए आप अपना काम पूरा करती हैं। हाँ शहंशाह, इसे हमारी जिद ही समझ लीजिए। हम जल्द से जल्द ये साबित करके रहेंगे कि आपकी बचपन की दोस्त आपकी जोधा बेगम से कम नहीं है। और फिर हम ये जिद जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। आप तो जानते ही हैं, हम आपके बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अगर सुबह का बोला शाम को घर लौट आता है तो उसे भुला नहीं कहते। हम बेसब्री से आपका इंतजार करेंगे। मोती, हमारे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं। मोती, हमने ठीक किया ना? अब रुकैया बेगम के दिल में भी कोई बोझ नहीं रहेगा और आगरा वापस आने का रास्ता भी खुल गया है उनके लिए। हम तो चाहते थे कि शहंशाह उन्हें क्षमा कर दे, परंतु शहंशाह भी ना बच्चों के भांति जिद करने लगते हैं। परंतु भला तो सब भला, अब मुराद भी सही रास्ते पर लौट आए हैं। और मोती, तुम हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं? शहंशाह, हमारे पैर छूकर हमें पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं? तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे पैर दबाती हैं। वो अलग बात है, हमारा कर्तव्य है, परंतु पति अपने पत्नी के पैर नहीं दबाते हैं। अरे वाह, चिट भी मेरी पट भी मेरी। आप भी तो कहती हैं ना कि आप हमारी अर्धांगिनी हैं, तो हर सुख हर दुख बराबर में बांटेंगे, तो फिर आप हमें ये मौका क्यों नहीं देते? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।